हाय, ये मैंने लेनी है नाश्ते की बाइट, घी में मंडे हुए पराठे। सुबह में आपका बहुत ही स्वागत है। डालनी है वो तो मखनी सरसों का साग, और ये मैंने बनाया है एक मस्त जबरदस्त पराठा। दस्तरखान बिछा दो, चिकन हांडी खाऊंगी पराठे के साथ। वो मैंने मम्मा से कहा कि वो मैं उठाने वाले काम होते हैं ना ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सी सुबह में आपका बहुत ही स्वागत है। तो भाई, अब आज का हम दिन स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, 8:30 बजे से मैंने जो है अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ी सी मैंने 10 मिनट की वॉक की, क्योंकि मुझे ना ये प्लांट्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बड़े फ्रेश फ्रेश से प्लांट्स थे। तो मैंने कहा भाई यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट किया। और भाई चैनल पर जो नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। यहाँ से अपना आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये क्या है? हटो इन चिप्स के साथ। अच्छा जी, ओह माय गॉड, ये हम आ गए हैं किचन में। नाश्ते की तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई। ओके यार, अभी सीन ये है कि मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, लेकिन ये आटा इतना ज्यादा, इसकी रोटी ना टूटने वाली थी, तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके और ना तवे पे शिफ्ट किया। अभी आगे देखना। ओ माय गॉड गाइस, ये देखें, इस तरह का मुझे ढक्कन चाहिए, क्योंकि ये मेरी रोटी टूट बोट रही है। हटे, अब मैं जो हूँ ना इसको ऐसे यस हाँ, क्योंकि वो काम वाली आएगी ना। ये एहतियात के साथ ये रोटी डालेगी। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी ऐसे करके। ये रोटी डालनी है वो, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, डाल दी सही से। ओके, अब ये पराठा मेरा बनेगा। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा सीन हो कि आप कोई ऐसी रोटी बना रहे हो जिसके टूटने का ज्यादा डर होता है, जैसे कि ये कॉर्न मकई की रोटी है, तो आप इसको इस तरह के ढक्कन में लेकर और उसके बाद जो है उसमें रख के ढक्कन से डायरेक्ट पलटी मारेंगे रोटी की तवे पे। हाय हाय, कि इसमें मैंने डाला है पराठा, बहुत ही ना मजे का सा लग रहा है, पता है। जोर खा भी नहीं, मैं सब्जी नहीं खाती, बस मुझे हांडी दे दें गरम करके। तो भाई यहाँ पर मेरा पराठा तकरीबन रेडी हो चुका है। बाकी का नाश्ता जो है ना मम्मा और मेरी खाला मिलके बना रही थी, लेकिन ना मैंने थोड़ा सा अपना व्लॉग भी बनाना था ना, तो इसकी वजह से मैं काफी लेट हो रही थी। मैंने बस सिर्फ यहाँ पर अपना पराठा बनाया, वो भी आटा शाटा मेरी खाला ने गूंद दिया था, और बाकी जो है ना फिर लास्ट का पराठा बच गया था, तो वो मैंने मम्मा से कहा कि वो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने के लिए भी तो भाई एक बंदा चाहिए था ना, समझा करो ना। तो बस ये हमने डाला है पराठा, और रात की जो चिकन हांडी रात को बनाई थी ना, वो चिकन हांडी थोड़ी सी बच गई थी, मखनी साग भी था, लेकिन भाई आपको पता होगा मैं तो खाती हूँ चिकन ही, तो मैंने फिर अपनी खाला से कह दिया था कि भाई मैं चिकन हांडी खाऊंगी, उन्होंने निकाल दी थी और ये मैंने गर्म करने के लिए रख दी। बाकी तकरीबन अब हमारा नाश्ता रेडी होने वाला है, सिर्फ एग्स रह गए थे, क्योंकि एग्स अभी अवेलेबल नहीं थे, वो लेने के लिए गए हुए थे, वो आए तो फिर वो बना लेंगे। ओके गाइस, ये हमारा गरम हो रहा है मखनी सरसों का साग, और ये मैंने बनाया है एक मस्त जबरदस्त पराठा। धूप बहुत है इस वजह से थोड़ा सा ना, मम्मा वो पछी रखना, वो रही उसके ऊपर। ये हमारा हो गया जी पराठा। माय गॉड, ये हमारी चिकन हांडी गर्म हो रही है, और ये भाई बस हमारे बन रहे हैं पराठों पे पराठे, क्योंकि खाने वाले ज्यादा थे, बनाने वाले कम थे। ये हमारी बन रही है चाय, डाल दिया गुड़ आपने, अच्छा लास्ट में। चलो ये पराठा भी हमारा हो गया। तो भाई ये हमारा अच्छा हैवी सा नाश्ता मंड के रेडी हो चुका है, अब हम नाश्ता करने की तरफ चलेंगे। और चाय हमारी गिरकर दूसरे मोहल्ले तक पहुंचने वाली थी, मगर हमने इसे राइट टाइम पर रेस्क्यू कर लिया, वरना चाय और दूध तो पलक झपकाते ही गिर जाते हैं। सिर्फ दस्तरखान बिछा दो ताकि जो है ना वो हो जाए। मैं जो हूँ चिकन हांडी खाऊंगी पराठे के साथ। ये लेकर जाओ नाश्ता, और ये है पराठा, ये साथ में है केक, एग हो गया फ्राई, ये लो ये भी ले जाओ, केक ले जाओ, केक और पराठा, बस सिर्फ थर्मोस और चाय का। अब थर्मोस डाल रही हैं आप, ये ट्रे में रख के जाओ, ऐसे कैसे लेकर जाओगी कप। हाँ ओ वाओ, कितने क्यूट कप्स हैं, ये ले लें। नहीं ये सारे वॉशरूम में। आप में से जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं सारे देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगवाने के लिए ना अपने बहनों को काम पे लगा दिया, मैंने मलाइका को ये दिया है कप रखने के लिए, क्योंकि ये जो उठाने वाले काम होते हैं ना ऊपर नीचे, ये भाई मैं नहीं कर सकती। मुझे मौत पड़ रही होती है। खैर अब हम नाश्ता लेके चलेंगे, नाश्ते में टी केक भी मैंने साथ में रख लिया, मैंने कहा बार बार मुझे आना जाना ना पड़े कहीं से। हाय, ये मैंने लेनी है नाश्ते की बाइट, घी में मंडे हुए पराठे, साथ में चिकन हांडी, टी केक एंड फ्राइड एग्स। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं नाश्ता करूंगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।